तो गाइस मैं लाया हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिंधु यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से। इस वीडियो को वॉच करने के बाद मैं आपको यकीन देता हूँ आपके नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैसिव वॉइस, नरेशन, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट पेपर सेशन 2015 का, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स। तो इसमें हम चूज़ करेंगे करेक्ट सिनोनिम्स। तो जो फर्स्ट है वो है ट्रिबल। ट्रिबल की मीनिंग है खौफनाक, और इसका जो सिनोनिम्स बनता है वो है ट्रेजिक। एंड जो नेक्स्ट सिनोनिम है वो है नोटिसेबल। तो नोटिसेबल की मीनिंग है काबिल गौर, तो इसका जो सिनोनिम्स है वो है प्रोमिनेंट। एंड जो थर्ड एमसीक्यूज है सिनोनिम का वो है मेंड। तो मेंड की मीनिंग है मरम्मत करना, तो इसका जो सिनोनिम बनता है वो बनता है रिकवर। एंड द फोर्थ जो एमसीक्यूज है वो है सेंस। तो सेंस की मीनिंग है फेम, और इसका जो राइट सिनोनिम बनता है वो बनता है डिटेक्ट। एंड जो फिफ्थ एमसीक्यूज है वो है एर्डेंट। तो एर्डेंट की मीनिंग है पुरजोश, तो इसका जो राइट सिनोनिम बनता है वो बनता है जेनेरियस। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे सिनोनिम्स। अब हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एमसीक्यूज है, वो है कंसील। तो गाइस जो कंसील की मीनिंग है वो है सीक्रेट या कोई छुपी हुई चीज़। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स बनता है वो बनता है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज की मीनिंग है जाहिर, बज़ाहिर। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स का वो है ह्यूमिलेटिंग। ह्यूमिलेटिंग की मीनिंग है ज़िलतामेज़। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स है वो है रेस्पेक्टफुल। एंड गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिलिपेंट। फिलिपेंट की मीनिंग है गुस्ताख, बेअदब। तो इसका जो एंटोनिम्स है वो है सोलेमेन। एंड गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डेप्रिशिएट। तो डेप्रिशिएट का जो एंटोनिम्स है वो है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मीन्स तारीफ करना किसी की। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट एंटोनिम्स जो है वो है फिक्स्ड। फिक्स्ड का तो लूज ही बनेगा एंटोनिम्स। तो गाइज हमने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 2015 के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम प्रीपोजिशन की तरफ आते हैं जो कि 2015 में आए थे। तो फ्रेंड 2015 के इंग्लिश के पेपर में जो थर्ड पार्ट ऑफ इंग्लिश पेपर था वो था चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आपने क्या करना है, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज़ करना है। तो चलें चूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट क्वेश्चन था प्रीपोजिशन का वो था द लैंड वाज डिवाइडेड डैश द टू सिस्टर्स एंड द टू ब्रदर्स। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आएगा, तो गाइस यहाँ पर आएगा इनटू एंड सेंटेंस बनेगा द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू द टू सिस्टर्स एंड द टू ब्रदर्स। एंड गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ही वाज नॉट मीट हिज मदर सिंस लास्ट टू ईयर्स। तो यहाँ पर देखें, आपको अगर नहीं पता ना सिंस और फॉर का तो आप नोट कर लें। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो गाइस सिंस और फॉर की मीनिंग तो सेम है, मगर इसका एक यूजेज है डिफरेंट। तो इसके लिए आप ऐसा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो वैसे भी मैंने बता तो दिया है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है ही वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम बाय हिज सुपीरियर। तो यहाँ पर बाय हम यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन जो होगा वो यहाँ पर बाय होगा। तो गाइस 2015 में ये तीन एमसीक्यूज थे प्रीपोजिशन के, और दो थे कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब हम कंप्लीट करेंगे सेंटेंसेस को। तो गाइस जो क्वेश्चन था 14 नंबर वो था एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बाय देम। तो यहाँ पर हमने डिड नॉट हैव यूज़ किया है, क्योंकि देखें फर्स्ट सेंटेंस पास्ट का है, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। तो यहाँ पर देखें पास्ट का है, तो इसलिए जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो भी पास्ट का ही होगा। एंड उसके बाद ही टोल्ड मी दैट ही इन्जॉयड द मूवी। यहाँ पर हम डी ऑप्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये नरेशन है। तो नरेशन पढ़ने के लिए भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि प्रिपरेशन के बाद हम नरेशन पढ़ेंगे।
तो गाइस देखें, जब हम नरेशन यूज़ करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट सेंटेंस हो, पास्ट का टेंस हो, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो भी पास्ट का ही होगा, और उसमें हम डेट का भी यूज़ करेंगे, और इसके अलावा और भी चेंजेस होती हैं तो वो हम बाद में पढ़ लेंगे। तो गाइस इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज़ करनी है। तो यहाँ पर ये दिए गए थे चार ऑप्शन, इसमें आपको एस्टेब्लिशमेंट की करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी थी, तो जो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो ए ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पर देखें 17 जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको सेंटीग्रेड की करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी थी, तो वहाँ पर देखें चार ऑप्शन थे, तो जो करेक्ट स्पेलिंग सेंटीग्रेड की है वो बी ऑप्शन है। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, और उसमें पूछा गया है इग्नोरेंस की करेक्ट स्पेलिंग, तो इग्नोरेंस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो सी ऑप्शन वाली है। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, और जिसमें पूछा गया है इनकन्वीनियंस की करेक्ट स्पेलिंग, जिसकी मीनिंग है तकलीफ, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो फर्स्ट ऑप्शन वाली है। एंड अब लास्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग वाला, जिसमें करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट की पूछी गई है, तो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ जो ट्रांसपेरेंट है वो फर्स्ट ऑप्शन वाली ही है। फ्रेंड्स अब करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन ख़त्म हुए, अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि इनडायरेक्ट नरेशन। तो गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो चलें इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। नरेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो था शैल आई एवर गो देयर अगेन ही आस्क्ड। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में हम रूल्स एंड रेगुलेशन तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि हम प्रिपरेशन के बाद नरेशन पढ़ेंगे। तो नरेशन के लिए अगर आप नरेशन सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल पर कनेक्टेड रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भाई ये बेस्ट चैनल इंग्लिश लर्निंग के लिए होगा। तो गाइस मैं आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करके बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है ही आस्क्ड वेदर ही वुड गो देयर अगेन। इसके बाद जो नरेशन का क्वेश्चन है वो ये है कि बी पोलाइट टू अदर्स आई सेड टू हिम, तो इसमें क्या किया गया है, एडवाइस दी गई है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, आई एडवाइज्ड हिम टू बी पोलाइट टू अदर्स। तो गाइस ये दो नरेशन के क्वेश्चन थे, और इसके बाद जो क्वेश्चन थे वो पैसिव वॉइस के थे, तो पैसिव वॉइस भी मैं आपको इस चैनल पे सिखा दूंगा। क्वेश्चन था पैसिव वॉइस का वो ये था कि दे विल कीप ऑल बैंक्स ओपन दिस सैटरडे, तो इसको आप पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना था। तो पैसिव वॉइस में कैसे होगा, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म होगी वो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे कि ऑल बैंक्स विल बी कीप ओपन दिस सैटरडे बाय देम। यहाँ पर देखें हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया, और वर्ब की जो हमने फॉर्म यूज की वो थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब थी। तो गाइस ये क्वेश्चन थे नरेशन के और पैसिव वॉइस के। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था फाइंड द एरर्स, इसमें आपको ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स हैं सेंटेंस में वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो गाइस इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था इस्लामाबाद इज फर्दर फ्रॉम द लाहौर, तो गाइस इसमें आप ही मिस्टेक फाइंड आउट कर लें कौन सी है। तो अब देखें यहाँ पर फर्दर FURTHER ये वाला नहीं आएगा, FARTHER वो वाला आएगा। तो गाइस इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि एवरी वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, तो इस सेंटेंस की मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी मिस्टेक है, इसमें जो मिस्टेक है वो देयर की है। अब देखें जब एवरी वुमेन आ रहा है यानी सिंगल है, सिंगल नाउन है, तो इसके साथ हम देयर नहीं यूज़ करते हैं, देयर प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा एवरी वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ हर चॉइस, तो हर आएगा यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आई विश द चिल्ड्रेन वुड बी हैव हिमसेल्फ, तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें ये सेम मिस्टेक अगले वाले सेंटेंस में भी थी, वो हमने करेक्ट कर दिया, तो ये भी आप कर लेंगे, देखते हैं करते हैं, करके आप कमेंट में बता दें मुझे। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें ये सेम ही मिस्टेक थी पहले वाले सेंटेंस में, अब देखें आई विश द चिल्ड्रेन वुड बिहेव हिमसेल्फ, तो देखें चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो इसके साथ हम हिमसेल्फ यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या यूज़ करेंगे, देयर सेल्फ। तो गाइज अब इंग्लिश का पेपर हुआ कम्प्लीट, और हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट जो कि जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हाउ मेनी सूरेज आर देयर इन दी होली कुरान,
तो होली कुरान में टोटल सूरज कितनी है? तो टोटल सूरज जो है होली कुरान में वो है 114। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी टाइम्स द होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जस्ट एक बार ही हज परफॉर्म किया था। एंड उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द रेवलेशन ऑफ होली कुरान कम्प्लीटेड इन दी, यानी कि होली कुरान कितने अरसे में कम्प्लीट हुआ था? तो 23 ईयर्स में। एंड इसके बाद द लार्गेस्ट सूरह इन द होली कुरान इज़, यानी कि होली कुरान में कौन सी लार्गेस्ट सूरह है? तो उसका जो आंसर है वो है सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा जो है वो लार्गेस्ट सूरह इन द होली कुरान है। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली खानी था। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो है, कायदेजम डाइड इन द ईयर, कायदेजम की डेथ कब हुई थी? कायदेजम की डेथ पाकिस्तान के बनने के एक साल बाद हुई थी, यानी कि 1948 में। एंड इसके बाद अल्लामा इकबाल इज ब्रीड इन, अल्लामा इकबाल कहाँ पर दफन किए गए हैं? लाहौर में। एंड इसके बाद द लाहौर रेजोल्यूशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय, लाहौर रेजोल्यूशन रिप्रेजेंट किसने की थी? वो की थी ए के फैजुल हक ने। एंड इसके बाद पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट अर्निंग कम फ्रॉम, पाकिस्तान की जो मेजर अर्निंग है वो कहाँ से आती है? कॉटन से आती है, कॉटन एक्सपोर्ट होती है, उससे पाकिस्तान की ज़्यादातर अर्निंग होती है। एंड इसके बाद क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद निशान हैदर फॉर हिज ब्रेवरी इन 1965 इंडो पाक वार, यानी कि जब पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई थी 1965 में, तब निशान हैदर किसको दिया गया था? तो किसको दिया गया था? राजा अजीज भट्टी को। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो है, विच प्लेस इज एसोसिएट विद द फेमस रोमांस ऑफ सस्ती पुनू? तो डियर गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो बम्भौर। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, हज़रत लाल शहबाज कलंदर वाज बोर्न इन, हज़रत लाल शहबाज की पैदाइश कब हुई थी? तो इसका जो सन है वो है 1177। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, द इंडस रिवर फॉल्स इन टू द अर्बन सी, अर्बन सी में फॉल करती है रिवर इंडस। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, विच सिटी इज कॉल्ड पिरामिड सिटी? तो कैरियो को पिरामिड सिटी बोलते हैं। उसके बाद करेंसी वाला क्वेश्चन है, करेंसी की मैंने वीडियो भी बना दी है, वो भी देख लें, क्योंकि लाजमी तो नहीं मलेशिया की करेंसी हर बार आएगी। वैसे मलेशिया की भी करेंसी आप याद कर लें, मलेशिया की करेंसी कौन सी है? रिंगित। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। इसके बाद है, कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, कोलंबे ने क्या डिस्कवर किया था? अमेरिका। तो गाइस, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द लैप ईयर? तो गाइस, लैप ईयर में 366 डेज होते हैं। एंड इसके बाद क्वेश्चन है कि वो कौन सा पहला इंसान था जो जिसने मून पर कदम रखा सबसे पहले? तो वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज है, जो पूछ रहा है कि शाहजहान मोस कहाँ पर है? तो शाहजहान मोस कहाँ पर है? 30 में। तो गाइज, अब हम पढ़ेंगे जनरल साइंस। और इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जनरल साइंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज, यानी विटामिन सी का दूसरा नेम कौन सा है? तो इसका आंसर है एस्बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द एयर इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, एयर किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 53 ये है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेयर करते हैं? तो गाइज, वो बैरोमीटर, बैरोमीटर से ही हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेयर करते हैं। एंड गाइज, इसके बाद है, सलिनिटी ऑफ द सी वाटर इज ड्यू टू सोडियम क्लोराइड, इसका जो आंसर है वो है सोडियम क्लोराइड। एंड इसके बाद, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेयर अल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अल्टीमीटर, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एल्टीट्यूड है वो अल्टीमीटर से यूज करते हैं, मेयर करते हैं। इसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फिश ब्रीथ्स थ्रू, फिश कहाँ से सांस लेती है? नाक तो नहीं है ना, तो वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है। एंड इसके बाद, द यूनिट ऑफ मेयरिंग द लेंथ ऑफ लाइट वेव्स इज, इट मीन के लेंथ ऑफ लाइट वेव्स की यूनिट क्या है? तो ये है एंगस्ट्रॉम।
एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है द लाइटेस्ट गैस दैट प्रोवाइड अ लार्ज एवोल्यूशन फॉर बलून्स इज, तो वो हाइड्रोजन ही है। और इसके बाद एक टर्म है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। एंड इसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन किसने डिस्कवर की थी, वो है हेनरी कैवेंडिश। और हाँ ये याद करने में तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अब देखें डिश कैवेंडिश, तो डिश और हाइड्रोजन को याद कर लें आपको ये क्वेश्चन तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एंड इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एयर को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। एयर एक मिक्सचर है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर। एंड इसके बाद अ नॉर्मल प्यूल्स रेट पर मिनट फॉर हेल्दी एडल्ट इट रेस रेंज फ्रॉम, इसका क्या आंसर है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। एंड इसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, सीपीयू, तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो प्रोसेसर। एंड इसके बाद है केमिकल सैंपल ऑफ मर्करी इज, मर्करी की जो केमिकल सैंपल है वो कौन सी है, एच जी मर्करी की केमिकल सैंपल है। एंड इसके बाद क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन इज एक्सक्रेशन सिस्टम, डियर गाइस किडनीज जो होती हैं वो ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रेशन सिस्टम होता है। इसके बाद व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल, तो लिवर प्रोड्यूस बाइल। और इसके बाद एक और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल्स फास्टेड इन, यानी कि लाइट कहाँ पर फास्टेड ट्रेवल करती है, तो लाइट जो है वो वैक्यूम में फास्टेड ट्रेवल करती है। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, पीएच ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं माइनस लाइट नॉर्मली ट्रेवल करती है ना स्ट्रेट लाइन। इसके बाद क्वेश्चन है हाउ डज लाइट नॉर्मली ट्रेवल,